हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, सही उसकी आंखें खुलती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी घबराहट में वो वहाँ से उठती है और अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा डर गई थी ना, इतनी ज़्यादा, अब तक क्ला की आँखें खुली नहीं थी। तभी होता क्या है ना, क्ला कि जो गर्लफ्रेंड है, मतलब कल जिसकी शादी होने वाली थी, वो गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए वहाँ पर आती है। यहाँ पर जो सही है वो डरते हुए वहाँ पर छुपने लग जाती है, वो अपने कपड़े पहन रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्ला की एक्स गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, वो आके बोलते हैं कि कहाँ पर हो, तुम्हें याद नहीं है तुमने कल क्या किया। क्ला सोचते मैंने क्या किया, तो उसे तो याद आ रहा था कि उसने तो सही के साथ जो मतलब उसका हुआ है वो याद आ रहा था, उसे तो कुछ याद नहीं। तो वो बोलते कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है। यहाँ पर सही छुपने लगती है और इसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी शादी टूट गई है। और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा सुनाता है, इतना ज़्यादा सुनाती है। और यहाँ पर तभी होता क्या है ना, जो क्ला था वो उसकी बातें बिल्कुल सुन नहीं रहा था। वो वहाँ पर सही को ढूंढ रहा होता है, इधर उधर देख रहा था, सही अभी भी चुपे जा रही होती है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जाओ, अब सब कुछ खत्म हो गया ना, यहाँ पर क्या करने आई हो। तब यहाँ पर वो देखती है कोई जूते देखती है सही की, उसके बाद वो सही की तरफ जाने लगती है। क्ला उसे रोक रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारी मतलब की चीज़ नहीं, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यार मेरा कुछ है नहीं। यहाँ पर सही बहुत घबराई हुई सी थी। वो उसे जो सही है उसे देख लेती है उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, और वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम बोल रही थी कि मुझे मैं ख़राब हूँ, लेकिन तुम क्या हो, तुम भी वही कर रही हो ना, तुम भी बाहर की लड़की ले आकर वही कर रही हो, तुम मुझे सुना रहे थे। वो इतना सुनाती है और उसके बाद वो सही को बहुत भला बुरा कहने लग जाती है, लाइक जो भी ख़राब चीज़ें हैं ना सब कुछ बोल देती है। यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा यार मेरा सपोज ख़त्म हो गया ना, यहाँ पर क्या क्यों बैठी हुई हो। सही बेचारी घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पर क्ला उसकी बातें सुन नहीं रहा था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ पर सही भागे जा रही थी, भागे जा रही थी, उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोकता है। ट्रेन की पटरी के साइड पे लोग खड़े हुए थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, सही बोलती है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या बोलता है कल जो भी हुआ ना उसके बारे में, वो बोलती कि कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, ऐसा वो बोल रही होती है। यहाँ पर क्या बोलता है कि देखो जो भी हुआ है वो बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है, लेकिन गाइस नोट कर लो इस मोमेंट पे साइड से ट्रेन भी जा रही होती है। जो भी हुआ है जल्दी में हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन ये बहुत जल्दी है, मैं इतनी जल्दी ये सब कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगी हो, ऐसा वो बोलता है। सही बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी यहाँ पर ट्रेन चला गया था, वो बोलते कि तुम क्या बोल रही हो। क्ला उसे किस कर लेता है और उसके बाद बोलता है कि तुम समझ में आए मैं क्या बोल रहा था। सही तो शौक हो जाती है। उसी टाइम पे सही के घर वाले, मतलब सही के पापा के आदमी उससे लेने के लिए आए हुए होते हैं और यहाँ पर सही तो शौक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है सही को, जब उसके पापा के आदमी थे वो बोलते कि आपको आपके पापा घर पर ले आने के लिए बोल रहे, तो चलिए मैडम। और उसके बाद सही गाड़ी में जाती है और यहाँ पर हमारे हीरो यानी कि क्ला उसे रैनसम, मतलब किसी को ऐसे ज़बरदस्ती अपने घर पे रख के पैसे मांगने वाला काम होता है ना, उसके जुर्म में पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में क्ला से इतनी सारी वाहियात सी चीज़ें पूछी जाती है, बेचारा क्ला परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि आप लोगों को लगता है मैंने उसे वहाँ पर रखा हुआ था, वो भी पैसों के लिए, भूल जाइए, मुझे लगता है ना मैं उसका विक्टिम हूँ, वो इनोसेंट एक्ट कर रही थी लेकिन उसने मुझे फंसाया, ऐसा वो बोल रहा होता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने 1 लाख पार्ट भी मांगा था ना इसी वजह से, तो वो बोलता है कि क्या मैंने मांगा कब, क्योंकि बेचारे तो मांगा नहीं था। यहाँ पर वो बोलते कि क्योंकि सही के पापा ने बोला था वो 1 लाख पार्ट मांग रही थी उनकी बेटी, तो ऑब्वियसली तुम्हें देने के लिए होंगे। यहाँ पर क्ला बोलता कि ऐसी कोई बात नहीं, ना ही मैंने उससे कोई पैसे मांगे थे। यहाँ पर उसे ये भी पूछा जाता है कि तुम्हें पता था वो एक होटल ओनर की बेटी है, मतलब इतनी अमीर है, तो तुमने उसे फंसा के वहाँ पर ले गए थे ना ताकि तुम कुछ पैसे बना सको। और यहाँ पर मतलब ऐसी वहियात ऐसी जब पूछा जाता है ना, यहाँ पर क्ला वो समझ जाता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा था वो एक बेचारी सी लड़की, एक इनोसेंट सी स्वीट सी लड़की है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ वो एक बेचारी के फेस में बहुत ज़्यादा शैतान लड़की है, उसने मुझे फंसाया है, मुझे इस मुसीबत में फंसाया, ऐसा वो बोल देता है। लेकिन यहाँ पर क्या था ना, उसे पूछताछ के लिए लिया गया था लेकिन कुछ खास एविडेंस होने की वजह से उसे यहाँ पर रखने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसे वार्न करके पुलिस वाले छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्ला समझ चुका था आज वो सही से मिलके कितनी बड़ी गलती कर चुका था और वो अब सही के जो इमेज है ना उसकी आंखों में बहुत गलत बन चुकी थी।
क्ला तो कुछ भी कन्विंस कर नहीं रहा था। तो यहाँ पर मिस्टर सिन यानी कि सई के पापा के आदमी बोलता है कि सर क्या आप चाहते हैं कि हम सई को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाए। यहाँ पर मिस्टर सिन बोलते कि नहीं, मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा है, मैं अपनी बेटी पे इतना तो ट्रस्ट कर सकता हूँ, बस तुम सई पे नज़र रखो, ऐसा बोल देते हैं। घर पर जाने के बाद यहाँ पर क्ला कुछ चीज़ें थी यहाँ पर सई की जो रह गई थी वो देख रहा होता है। और यहाँ पर उसका दोस्त आके बोल रहा था कि तुम तो क्या किस्मत वाले निकले, तुम्हें ऐसी लड़की मिली, एक अमीर जाति को साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, तुम प्राउड फील करो। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हारी वजह से वो डेटिंग ऐप में मेरा तुमने प्रोफाइल बनाया और मैं फंस गया, पता है मैं ऑलमोस्ट जाके रोक गया हूँ, बच गया हूँ, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और यहाँ पर वो बोलता है कि वो जितनी इनोसेंट दिखती है ना ऐसी है नहीं, और सबसे बड़ी बात ऐसे वही है डेटिंग ऐप पर मेरे प्रोफाइल बनाना बंद करो, क्योंकि इस बार तो मैं बच गया लेकिन मैं नहीं चाहता दोबारा मैं फिर से जेल में जाऊँ या फिर ऐसा कुछ भी हो, ऐसा हो बोल रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो ना उस सही की कुछ चीज़ों में एक रिंग देखता है और वो रिंग को देखने लगता है। यहाँ पर वो रिंग देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट वाला रिंग है, और उसके बाद वो सही को याद कर रहा होता है, मतलब सही के साथ मूवमेंट्स। और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से उससे पूछताछ की वो सारी चीज़ें याद कर रहा था, और साथ में जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने सही के बारे में बोला था वो चीज़ें याद कर रहा था। तो यहाँ पर वो सोचता है कि मैं उसके बारे में क्यों परेशान हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसे ना वो मतलब बेचारी लग रही होती है अभी भी, लेकिन वो सोचता है कि नहीं वो ऐसा डिजर्व करती ही नहीं है, ऐसा वो सोच के अपने मन को संभाल लेता है, मतलब जो सॉफ्ट कॉर्नर खुलने वाला था सही के लिए फिर से वो अपने आप को रोक लेता है इस बात की वजह से। हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट वाला सीन, यहाँ पर सई के पापा सई को इग्नोर कर रहे होते हैं, सई उनसे मिलने जाती है और वो सॉरी बोलती है। यहाँ पर वो बोलती कि मैंने आपके जो संस्कार के अगेंस्ट कुछ किया नहीं है पापा, प्लीज़ समझ जाइए। लेकिन उसके पापा बोलते कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइटली रख रहा हूँ ना, तुम्हें हर चीज़ में रोक टोक रहा हूँ, लेकिन तुम एक बेवकूफ़ से लड़के की बातों में आकर ये सब कर रहे हो ना, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट भटकाने के लिए, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर सही बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है पापा, उसका मेरा कुछ रिश्ता है नहीं, बस एक कोइंसिडेंस था। उसके पापा बोलते कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ रह के आई हो जो जेल जा चुका है, अगर उसकी जो हिस्ट्री अच्छी होती तो वो जेल क्यों जाता, ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन पर देखती है एक पुराना केस था जहाँ पर जो हमारा हीरो है ना क्ला वो जेल गया है ऐसा लिखा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर सेम चीज़, यहाँ पर क्ला फ़ोन पे देख रहा था सई के बारे में और सोचता है कि ये तो सच्ची में अमीर जाती है और इसने मुझे फंसाया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं किसी लड़की से इस तरह से बेवकूफ़ बन गया हूँ, ऐसा वो सोचता है। तब यहाँ पर वो देखता है कि थोड़ा दूर से कोई उसी पे नज़र रख रहा होता है। नेक्स्ट डे सई मार्केट पर आई हुई होती है, यहाँ पर बेचारी सई एक मेडिकल शॉप पर जाती है और यहाँ से वो एक्चुअली ना बहुत कंट्रोल पिल लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन एक तो इतनी साई टाइप की लड़की और इतनी डरी डरी सी रहने वाली, तो अपने फ़ोन से बोलने वाली थी कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, लेकिन तभी उसकी हेल्पर आ जाती है तो उसे चुप रहना पड़ता है और बेचारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होके रह जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, लिता को इंटरोगेट किया जा रहा था, मतलब सही के पापा से। यहाँ पर ना वो बोलती कि हम दोनों दोस्त थे और वो जो तो लिता है ना वो ऑर्फनेज पे रहती थी, सही के पापा जो ऑर्फनेज पे हेल्प करते हैं ना उसी के थ्रू वो दोनों मिले थे, तो ये सारी चीज़ें उसे पता चल जाता है। यहाँ पर लिता बोलती कि मुझे लगता था सही की लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन नहीं, आज मेरी आँख खुल गई। बाहर आने के बाद जो लिता है, लिता और थाइन के बीच में थोड़ी सी टकरार हो जाती है, क्योंकि थाइन बोलता है कि तुम जैसी लड़की सही को कभी भी बना नहीं सकती। यहाँ पर हमारा हीरो का ऑलरेडी फंस चुका था इन सब सारी चीज़ों के चक्कर में, वो देखता है कि सही वहीं से कहीं जा रही है, तो वो बोलता है कि आज तो इस मुसीबत को मैं निपटा के रहूँगा, क्योंकि सही के पापा की वजह से वो अब उस गैरेज में भी जा नहीं सकता था। सही फिर से उसी मेडिकल शॉप में आती है और उसके बाद वो शॉप ओनर को ऐसे फ़ोटो दिखाती है और बोलती है, क्योंकि बेचारी से बोला भी नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर शॉप ओनर भी कोई फ्लेवर की तरह 100 तरह की मेडिसिन बोलती कि कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए, वो बोलती कि एक काम कीजिए आप सारे पैक कर दीजिए। तभी यहाँ पर क्ला आ जाता है, क्ला बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन सही वहाँ से भाग जाती है। ये बाहर थाइन के साथ आई हुई थी, यहाँ पर वो थाइन को बोलती कि जल्दी चलो, और इस चक्कर में होता क्या है ना, सही जो पिल्स लेके आई हुई थी वो ऐसे गिरा देती है। यहाँ पर क्ला उस पिल को देख लेता है तो उसे आइडिया हो जाता है वो इस मेडिसिन शॉप में क्यों आई हुई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे कॉल आता है केम का, केम बोलता है कि बड़ी तुमने क्या किया, तुम्हें पता है उसके पापा और उसके लोग आके यहाँ पर CCTV कैमरे मांग रहे, सब कुछ मांग रहे, और मैंने हार्ड डिस्क छुपा के रखा हुआ है, अगर उनके हाथ में लगेगा वो हार्ड डिस्क तो उन लोगों को लगेगा कि तुमने तो उन लोग उनकी बेटी का फ़ायदा उठाया, क्या करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो केम था उसको
जो सई के पापा के लोग थे हार्ड डिस्क लेके चले गए थे। और यहाँ पर अब हमारे बंदे को भी आइडिया हो गया, एक तो पुलिस केस हो गया, दूसरे यहाँ पर जो एब्रक किया ही नहीं मतलब ऐसे ही किडनैपर बना दिया, इसको बेचारे को बहुत प्रॉब्लम फंस गया था, तो सई के पीछे चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सई के रूम में घुस गया था एक बोर्ड में, वो बोलता है कि तुमने तुम्हारे पापा को उस नाइट के बारे में बताया क्या। सई बोलती कि कौन सी नाइट के बारे में, क्या बोलता है कि मुझे बोलने में मजबूर मत करो। वो बोलती कि पागल हो गया क्या, मैं क्यों बताऊंगी उस नाइट के बारे में, जो भी हुआ है वो मैं नशे में थी इसी वजह से हुआ है और मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। यहाँ पर क्लावी बोलता है कि एग्जैक्टली मैं भी नशे में था, हम दोनों ही नशे में थे और हम दोनों के कंसेंस ही हुआ था, तो अब इस बात को इतनी आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है, और तुम्हारे पापा मेरे आगे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों दिखा रहे कि मैंने कुछ बहुत गलत किया है। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। सही बोलते कि देखो अगर तुम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवाना नहीं चाहते ना तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, ये अच्छा नहीं होगा, मेरे पापा देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर वो बोलती कि तुम जाओ और तुम्हारे पापा को जाके बोलो कि वो केस वापस ले ले। यहाँ पर सही बोलती है कि अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम जाओ ना, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनते फिरते हो, जाओ और बोलो उनको। वो बोलता है कि मेरी बातें नहीं सुनेंगे, तुम्हारे चक्कर में मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है, जाओ। तभी यहाँ पर बाहर से थाइन बोलता है कि सही तुम ठीक हो ना। वो यहाँ पर सही बोलती है कि हाँ मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। थाइन बोलता है कि ठीक है मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सही को बोले जा रहा होता है कि जाओ अपने पापा को समझाओ, उनकी वजह से मैं ना अभी कोई क्रिमिनल की तरह बन रहा हूँ। यहाँ पर सही बोलती है कि हम दोनों ना मिले तो ही अच्छा है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, बेचारी बहुत डरी हुई सी थी। तब यहाँ पर होता क्या है ना, जो थाइन था वो वहाँ पर आ गया था, यहाँ पर वो उसको देख लेता है क्ला को, और उसके बाद पूछता है कि ये कौन है। वो यहाँ पर काम करने वाला है और मैंने ऐसे उसको बोर्ड के साइड के जाने का रास्ता पूछ रही थी, ऐसा सही बोल देती है। यहाँ पर सही को थाइन रिंग देता है और वो बोलता है कि तुम कुछ लोगे, तो यहाँ पर हमारा क्ला बोलता है कि नहीं नहीं अभी मैं पानी ही लूँगा, इससे ज़्यादा मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बोलते हुए वो सई की तरफ देखता है ही मिनटों से कि पानी खाना ही अच्छा है, क्योंकि ड्रिंक ले लिया था लास्ट नाइट तो कुछ अलग ही हो गया था, यही ऐसा वो इंडिकेट करने की ट्राई कर रहा होता है। सई समझ जाती है और गुस्से में उसे देखती है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो सई और थाइन थे ना वो बाहर नज़ारा देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर क्ला को तो किसी भी कीमत पर सई को मनाना था केस वापस ले आने के लिए, उसके पापा कन्विंस करे इस चक्कर में, तो वो सई को देख रहा होता है। तो यहाँ पर सई देखती है अगर थाइन यहाँ पर फिर से उसे देख लेता ना क्ला को, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जानी थी, तो वो उसके पीछे चली जाती है। जब यहाँ पर थाइन बात कर रहा होता है फ़ोन में, वो बोलती कि तुम क्या चाहते क्या हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में ये सब हुआ है, और ये देखो तुम क्या खरीद रही थी, ये मेरे साथ ये या फिर सबके साथ ऐसे चल रहा है तुम्हारा, ऐसा बोल देता है। वो बोलती कि ये मुझे दो और तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, अगर तुम अपने लिए प्रॉब्लम नहीं चाहते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। थाइन बा उसे आवाज़ लगा रहा होता है, तो यहाँ पर सही बोलती कि तुम यहाँ से जाओ। वो बोलता है कि मैं कहाँ से जाऊँगा। सही बोलती कि तुम जहाँ से आए हो वहीं से जाओ। तो वो बोल रहा था कि तुम्हारे लोग मुझे ढूंढ रहे। तब यहाँ पर क्या करते हैं ना सही, अब थाइन के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है वो उसे धकेल देती है। तब यहाँ पर थाइन आ जाता है, लेकिन थाइन देख नहीं पाता। थाइन बोलता है कि वो लड़का कोई कौन आर्टिस्ट की तरह लग रहा था, तुमने देखा। सही बोलती कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। थाइन यहाँ पर अपने गार्ड्स को कॉल करने लग जाता है। सही इधर उधर देखने लगती है और सोचती है कि ये मरा क्या, आई जस्ट होप जिंदा हो। और उसके बाद वो लाइफ जैकेट जो होता है ना जिससे ठहरते वो पानी में फेंक देती है और बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि पर्पसली तो उसने कुछ किया नहीं था। हमें दिखाया जाता है उसी बोर्ड के साइड पे एक और बोर्ड था जहाँ पर एक लेडी बोलती कि गो एंड हेल्प दैट मैन। तो हमें दिखाया जाता है क्ला को बोर्ड में लिया जाता है, वरना बेचारा आज डूबने वाला था। इस लेडी का नाम रिवील हुआ नहीं है। यहाँ पर ना वो क्ला को बोलती है मैंने ना तुम्हारी लाइफ को बचाया, तो मैं तुम्हारी लाइफ के लिए एक कर्जदार हूँ, ये बात याद रखना, कभी मैं तुमसे शुद्ध समेत वापस लौंगी, ऐसा वो बोल देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बोर्ड से बाहर आ जाने के बाद भी यहाँ पर क्ला ड्रेस चेंज करके आया हुआ होता है, एंड सेम लेडी, अभी तक इनका नाम पता नहीं, लेकिन वो अपनी गाड़ी देती है, गाड़ी का चाबी देती है, बोलती कि मैंने बोला था ना तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है, तो जाओ या तो उनसे पकड़वाओ या फिर मेरे हेल्प ले लो, बोल देती है। तब यहाँ पर उन लेडी के की लेके क्ला वहाँ से चला जाता है गाड़ी लेके, क्योंकि ना अगर इस बार फिर से पकड़ा जाता तो क्ला के यहाँ पर सई के पापा तो मार ही डालते उसे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर सई बहुत परेशान थी, वो सोच रही थी कि आई जस्ट होप उसे कुछ हुआ ना हो, क्योंकि उसने जानबूझ के उसे धक्का दिया नहीं था, बस वो सिचुएशन को हैंडल करने की ट्राई कर रही होती है। यहाँ पर वो बहुत परेशान भी थी।
क्या अपने तो उसको कॉल करता है तो हमें पता चलता है कि उस जो सई के पापा के लोग हैं अभी भी उसके घर के आसपास ही है। बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब सई से बात करनी है और उसे एक कन्विंस करना है कि उसके पापा के पास जाके वो नाइट वाला क्लिप ले आए, क्योंकि अगर वो नाइट वाला क्लिप उसके पापा देख लेते तो यहाँ पर क्ला की तो फ्यूचर पूरी बर्बादी हो जानी थी। तो यहाँ पर वो कुछ इलेक्ट्रिशियन आए हुए थे, उनके साथ मिलकर चला जाता है, सोई के रूम में चला जाता है। क्ला सोचता है कि ये तो पापा की परी है, क्या लाइफ जी रही है। अभी यहाँ पर सई क्ला को देख लेती है और वो बोलती है कि तुम जिंदा हो, आई मीन टू से ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम ठीक हो। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैं मरता क्यों, तुम्हारी इतनी आलिशान लाइफ देखने के लिए तो मैं जिंदा हूँ ना, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम्हारे पापा के लोग मेरे गैरेज गए थे और वहाँ पर CCTV फोटेज ले आए, अब तुम सोचो अगर वो मिलेगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम ना पूरी लाइफ यही बोर्ड पे बंद रहोगी, याद रखना। और तुम्हारे पापा नज़र रख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का नाम बोल के यहाँ पर सारी जगह पे कैमरा लगा के चले गए, अब मेरी हेल्प करो बोल देता है। उसके बाद सई और क्ला दोनों ही जाते हैं उसके पापा के पास, मतलब सई के पापा के पास। यहाँ पर सई के पापा के हाथों में टैप था और उसी में वो वीडियो भी था। सई के पापा वो वीडियो देखे इससे पहले सई जाती है अपने पापा के पास, डरी हुई सी, सहमी हुई सी बंदी, और वो बोलती कि पापा हम साथ में मूवी भी देखे। तो यहाँ पर क्ला था ना, क्ला ऐसे सही अपने पापा को ऐसे झुलाती है और यहाँ पर क्ला थोड़ा सोफे के पीछे चला जाता है। यहाँ पर वो बोलती कि ठीक है, लेकिन वो बोलती कि तुम्हें सडनली मूवी देखने का मन क्यों हुआ। वो बोलती कि कुछ नहीं पापा, प्लीज़ साथ में जाके मूवी देख लेती है। यहाँ पर बेचारी टैप देखे क्ला को जैसे तैसे देख कर काम ठीक करवाने वाली थी, लेकिन यार जो TV था उनमें तो वही क्लिप चल रहा होता है। सही इतना एम्बैरेस हो गई ना, इतना एम्बैरेस उसे तो हॉट अटैक आ गया। उसके पापा बोलते कि तुम इसी चीज़ को छुपाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी ना, मुझे लगा नहीं था, देखा वो इंसान तुम्हारा क्लिप बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तुम्हें आइडिया भी है ये सब क्या हो रहा था। सही बोलते कि पापा ऐसा नहीं है, और वो बोलते कि तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने अपनी लाइफ ही नहीं देखा, तुम जैसी माँ, तुम्हारी माँ थी ऐसी हो गई हो, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरा ट्रस्ट इस तरह से तोड़ गई, कितना एम्बैरस फील कर रहा हूँ, ऐसा हो बोल कर सही को बहुत सुनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्ला उठ के बोलता कि बहुत हो गया, अब इसमें सही की कोई गलती नहीं, ऐसा हो बोलता है। यहाँ पर उसको देखने के बाद तो सही के पापा और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। सही के पापा बोलते हैं ये सब तुम दोनों ने प्लान किया है, तुम इससे इतना मैनिपुलेट हो गई हो कि मुझे धोखा दे रही हो। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है सही क्यों बोल रही थी, क्यों वो अपने पापा के सामने इतना सेफ फील नहीं करती, इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं करती जिस तरह से एक अजनबी इंसान के साथ भी वो कम्फर्टेबल थी, क्योंकि आप हमेशा उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं इसीलिए। यहाँ पर वो और गुस्सा करते हैं तो यहाँ पर ना क्ला को मारने लगते हैं। सही बीच में आते हैं, बोलते कि पापा सब मेरी गलती है, मैं गई थी उसके गैरेज पे और मैं ड्रंक हो गई थी, मैंने उसे अप्रोच किया था, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी वजह से वो सब हुआ है, प्लीज़ इसको कुछ मत कीजिए, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद उसके पापा और भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बोलते कि तुम इससे बचाने के लिए अपने आप को गंदा बोल रही हो, ये सब बोल रही हो। यहाँ पर ये सब देखे क्लास समझ जाता है कि सही इतना ज़्यादा सेमी हुई थी, डरी हुई थी, क्यों वो घर से भाग गई थी। यहाँ पर वो बोलते कि तुम जैसी लड़की हो इससे अच्छा तो ना हो ना, तुम एक लड़के के लिए सब कर रही हो और वो भी ऐसा लड़का जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसा वो बोल देते हैं। यहाँ पर वो बोलते कि पापा प्लीज़ इसे कुछ मत कीजिए। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है इससे अपने पापा से ज़्यादा बाकी दुनिया से क्यों फिक्र है, खुले दुनिया में जाके बाहर जाके वो क्यों अपने आप को जिंदा रखना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसे बस जिंदा रखा गया था, जिन्हें तो दिया नहीं गया था। यहाँ पर क्ला बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसके पीछे पीछे दो गार से आते हैं, बाहर तक छोड़ने आते हैं, मतलब ये अंदर वापस नहीं आए इसीलिए प्रॉम्प्ट, मतलब सही का जो कजन है ना वो आके बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्ला बोलता है मैं अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ, तो उससे सर पे एक बैट मारता है और यहाँ पर सही आके बोलती है ये सब क्या हो रहा है, इस स्विमिंग पूल में जो प्रॉम्प्ट है ना उसका कजन इतना मारता है क्ला को, इतना मारता है। वो बोल रही थी कि प्लीज़ मत करो। यहाँ पर सही के पापा बोल रहे थे ये यहाँ पर आने का हिम्मत कर चुका है तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा और तुम इसकी साइड मत लो। सही चिल्ला रही थी और बोल रही थी इस कार मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इससे नफरत करती हूँ, प्लीज़ पापा कुछ भी मत कीजिए, इस कार मेरा कुछ नहीं, जैसे आप समझ रहे, बोल के वो चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पर वो बोलती कि जो हमारा हीरो है ना उसे प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। सही के पापा बोलते कि इसने मुझे 5 लाख बार मांगा है तुम्हारे बदले और तुम्हारे क्लिप के बदले। यहाँ पर
क्ला बोलता कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोले, इससे ही तो शौक हो जाती है। और वो बोलते कि तुम्हें लगता है ये तुमसे प्यार करता है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, इसने 5 लाख बाट मंगाए और मैंने पे भी किया हुआ है, ऐसा वो बोल देते हैं। सही को समझ नहीं पाती, वो बोलते कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और यहाँ से जाओ, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ, हम दोनों के लिए यही अच्छा है, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो भी 2-4 डायलॉग मार ही लेता है अपने बारे पे। यहाँ पर सई के पापा बहुत गुस्से में थे, सई ये बोलने के बाद वहाँ से जाने लग जाती है। क्ला बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी नज़रों में मैं इतना ज़्यादा बेशरम हूँ क्या? लेकिन यहाँ पर सई उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है क्ला अपने गैरेज में किम के साथ बातें कर रहा होता है और यहाँ पर वो बोल रहा था कि मुझे लग रहा था सही अलग है, लेकिन उसकी लाइफ जो है ना उसकी वजह से अब मुझे समझ में आ गया बेचारी की लाइफ कितनी ज़्यादा ख़राब है, ये सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है। साथ में वो अब कहीं ना कहीं सही को, सही के लिए उसके दिल में सॉफ्ट फीलिंग आने लगी हुई होती है। थोड़ा टाइम बीत चुका था अब तक। यहाँ पर सही एक दिन ऐसे सो रही होती है और उसे सडनली बहुत अनकम्फर्टेबल फील होती है, मतलब होता है ना वो मॉर्निंग सिकनेस जैसा, और सडनली उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तो वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो अब हीरोइन को वॉमिटिंग हो गई तो क्या हो सकता है, आपको तो पता ही है। सही फिर से डर गई, फिर से पैनिक मोड पे आ गई और वो लिता को कॉल करती है, बोलती कि लिता लिता हेल्प मी। लिता बोलती कि क्या हुआ है सही? तो वो बोलती कि मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। लिता बोलती कि कैसे? तो बोले थे कि तुमने वो किया था ना वो डेटिंग ऐप में मेरा वो, और उसके बाद बाकी वो समझ जाती है। तो लिता और सई मिलने की प्लानिंग करते हैं। ये लोग ना एक स्टीम रूम में मिलते हैं, मतलब सई को बाकी उस जगह पे तो अकेले रहने नहीं दिया जाता था। अंदर स्टीम रूम में जाने के बाद यहाँ पर लिता बहुत घबराई हुई थी, बैठी हुई थी और वो सोचते थे क्या होगा क्या होगा। तो सई वॉशरूम से बाहर आती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ऐसे दिखाती है। एंड गेस व्हाट, ऑब्वियसली हमारी सिंड्रेला प्रेगनेंट थी। वो तो पागल हो गई, रोने लगती है, बोलती कि अगर पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, वो मुझे मार डालेंगे लिता क्या करूँ। लिता बोलती कि आई एम सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना ही मैं तुम्हें और डेटिंग ऐप में ज्वाइन करवाती, ना ही हम दोनों का वो आइडिया होता है 10 दिन के लिए अलग अपना जगह चेंज करने का। यहाँ पर वो उससे सॉरी बोले होती है, सही बोलती कि पापा को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेंगे और उसे भी मार डालेंगे, मैं क्या करूँ बोल के बहुत परेशान हो जाती है। लिता को अभी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, लेकिन लिता एज एन अच्छी फ्रेंड वो उसे गले लगा के बोलती कि कोई बात नहीं, सो के प्लीज़ शांत हो जाओ। हमें दिखाया जाता है उसके बाद सई अपने घर के लिए निकल जाती है और गार्ड से उनके पीछे पीछे चले गए थे। ऑब्वियसली सई के आगे पीछे गार्ड तो होंगे ही, लिता भी उसके बाद बाहर आती है। लेकिन लिता को जो हमारा हीरो है ना क्ला देख लेता है, सई तो अपनी गाड़ी से चली गई थी। यहाँ पर जो क्ला है ना लिता के पास आके बोलता कि मुझे सई से बात करनी, क्या तुम्हारे पास सई का नंबर है? ये सुनने के बाद लिता देती कि तुम कौन हो? यहाँ पर क्ला बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे जानती हो, हमारे बारे में पता है तुम्हें अच्छी तरह से। ऑब्वियसली ये सब तो लिता की वजह से स्टार्ट हुआ था। वो लिता बोलती कि मुझे पता नहीं था तुम हमारी लाइफ में पनौती बन के आ गई, स्पेशली बेचारी सई की लाइफ में कितनी आसानी से लाइफ जी रही थी सई, और अब क्या बन गई है उसकी लाइफ, तुम दोनों का कुछ ना होता तो इतना अच्छा होता ना, ऐसा बोल के वो चली जाती है। यहाँ पर क्लास समझ नहीं पाता ये क्या बोल रही है, मतलब सडनली सो सिंसिप रहता है। सही पे सही घर पे एक और प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आई हुई थी। लिता ने बोला था कि प्लीज़ एक बार जाके फिर से चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार रिजल्ट नेगेटिव आए, हमारा कोई गलत फहमी हो, ऐसा बोल रही होती है। और सही बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस किट को देख रही होती है। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी के साथ दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो मुझे बताओ गाइस आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? अगर ड्रामा अच्छा लग रहा है तो ड्रामा को वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।